हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से हमें कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर GST हम कैंसिल कैसे करें। ठीक है, एक्चुअली में जो है 31 जुलाई कारण जो है हम आपके कमेंट्स और कॉल नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए इसके लिए हम आपसे जो है माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग हमें माफ़ करेंगे। दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि हम इसका क्या प्रोसेस है, फुल प्रोसेस देखेंगे कि GST रजिस्ट्रेशन जो है हम कैंसिल कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम ये देखेंगे कि आपका रिटर्न कहाँ तक फाइल हुआ है। अभी अगर इस महीने अगर आपको अगस्त में कैंसिल करना है तो आपका जुलाई तक रिटर्न पूरा फाइल हो जाना चाहिए। GST R1 N3 भी दोनों फाइल हो जाना चाहिए। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि आपकी कोई लायबिलिटी तो नहीं बन रही है। अगर आपकी कोई लायबिलिटी हो, GST में कोई भी लायबिलिटी हो, तो पहले उसको पे करेंगे। उसको पे करने के बाद ही हम जो है कैंसिल कर पाएंगे GST में। ठीक है, तो सबसे पहले हम GST में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है, उसमें जाएंगे और कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद हम उसके बाद जो है एक और प्रोसेस है, जब तक GST आपका जैसे जब कैंसिल किए हैं, जब तक वो एप्लीकेशन आपका अप्रूव नहीं हो जाए, तब तक आपको जो है नई रिटर्न जो है फाइल करते रहना है, जब तक कि आपका GST कैंसिल ना हो। ठीक है, अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, आपके पास कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट में बोलिए, फिर हम वीडियो बनाएंगे। अगर ये तो आप जो है हमें कमेंट करें और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है।